हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कविता देवभूमि। तो जैसे कि कल करवा चौथ का व्रत है, तो मैं उसके लिए, वैसे तो मैंने शॉपिंग कर ही ली है, बट मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा अपने लिए मैं चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। तो मैं चूड़ियाँ लेने जा रही थी और मेरे पास घर में चूड़ियाँ तो बहुत थी, लेकिन वो हाफ हाफ थी। तो मुझे चाहिए मुझे मुझे चाहिए था भरा हुआ हाथ। हाथ जैसे ब्राइड चूड़ा होता है ना, तो भरा भरा रखता है ना हाथ, तो वैसा चाहिए था मेरे को। तो मैंने सोचा कि अगले दिन करवा चौथ है तो मैं ले आती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी बस स्टैंड, और पापा भी आ गए थे अपने बैंक। तो मैंने सोचा क्यों ना पापा से ही मिल लूँ पहले, क्योंकि मैं सुबह ही जल्दी ही आ गई थी, तो वो शॉप्स वगैरह भी बंद थी। तो मैंने सोचा पहले जाके मैं पापा से मिल लूँ। और तो यहाँ पे ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, और इस तरफ आगे जाके हमारे पापा का बैंक। और हमारे पापा का तो नहीं है, बट बच्चे ऐसे ही बोलते हैं सारे, हमारे पापा का। तो ये पापा यहाँ पे जॉब करते हैं बैंक में, और यहाँ साथ में ही पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ मैं अंदर, वैसे मेरे को जाना अच्छा नहीं लगता, बट पापा बोलते हैं अंदर ही आ जाया कर। तो सुबह सुबह का टाइम था और भीड़ भी नहीं थी, बस दो चार ही लोग थे। तो मैं बेझिझक चली गई अंदर, पापा के कैबिन में ही चली गई अंदर, और फिर वहां से वापस आ गई। तो मेला लगा था साथ में, तो मैंने सोचा मेले में देख लूँ कोई चूड़ियाँ वगैरह हो। तो बट मुझे यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा था, चूड़ियाँ तो यहाँ भी बहुत थी, चूड़े भी थे, बट मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरे को ना ये बड़े प्यारे प्यारे स्वेटर दिखे, बहुत प्यारे प्यारे, जो हाथ की बनाई हुई थी। और उसके आगे जाके भी बच्चों की भी थी ऐसे ही, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अनवी के लिए फ्रॉक सेट ले लूं, सिंगल फ्रॉक थी, मैंने सोचा वो ले लेती हूँ अनवी के लिए। तो मैं यहाँ पे, मैंने अनवी के लिए एक फ्रॉक ले ली थी ऊन वाली। तो यहाँ से फिर मैं वापस आ गई बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ मुझे चूड़ा तो मिला ही नहीं, ना चूड़ियाँ मिली ढंग की। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके मार्केट से ही ले लूँ। तो मैं यहाँ मार्केट आ गई थी, और यहाँ फर्स्ट ही शॉप थी जहाँ से मैंने चूड़ा ले लिया जाके। और चूड़ा लेने के बाद मैं फिर बस में आ गई, क्योंकि मेरी बस लग पड़ी थी, और उसके बाद भी बस लेट थी। तो मैं बस में बैठ गई, फिर ये वाला मैंने चूड़ा लिया यहाँ पे, और बाकी के चूड़े भी अच्छे थे, बट मेरे साइज के नहीं थे। यही वाला चूड़ा मेरे साइज का था, तो मैं लेके आ गई। और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई, मेरे हल्के हल्के सर में दर्द हो गया था सफर में, वैसे भी बस में जाते हैं तो ऐसे सर घूम जाता है मेरा। तो यहाँ पे आके मैंने हाथों में, तो मैंने सुबह ही मेहंदी लगा ली थी, बट मैंने पैरों में आके मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल फ्री बैठी थी। तो मैंने सोचा पहले मेहंदी लगा लेती हूँ पैरों में, तो ये मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली थी मैंने। और ये बात देखते हैं कि ये वाली मैं ऊन की फ्रॉक अनबी को लेकर आई थी, लेकिन ये ले ही नहीं रही थी, ये देख ही नहीं रही थी इसकी तरफ। उसको बस तोड़ने फोड़ने के लिए चीजें चाहिए थी, मेरे हेडफोन चाहिए थे तोड़ने के लिए, और इसको तो ये देख ही नहीं रही थी। मैं इसको दिखा रही थी कि देख मैंने तेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लाई है, बट नहीं, ये देख ही नहीं रही थी। और बट मैं उसके ऊपर ऐसे ही रख के देख रही थी कि कैसी लगती है, लेकिन इसको यहाँ पे देखिए मोती, और ये मोती के पीछे पड़ गई थी। फिर मैंने इससे ये फ्रॉक ले ली, फिर मैंने इसको साइड में कर दिया, फिर इसको मैंने खेलने के लिए कुछ दे दिया था, नहीं तो ये मोती भी निकाल के मुंह में डाल लेती। और यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी, वैसे मैंने नोज पिन डाली थी नाक में, बट मैंने सोचा करवा चौथ है तो मैं तिल्ली डाल लेती हूँ बड़ी सी, जो मेरी शादी की है। तो यहाँ पे मैंने रिंग्स वगैरह निकाल के देख रही थी कि कैसी लग रही हैं, क्योंकि कल करवा चौथ के टाइम पे ना बिल्कुल रेस्ट करनी होती है, वो इसलिए क्योंकि गलती से पानी वगैरह पी लिया या फिर थक गए तो प्यास लग पड़ेगी। तो मैं पहले ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, मैंने सारा कुछ रख लिया था, मंगलसूत्र, मांग टिक्का, बेसर, कड़े, चूड़ा, इयर रिंग्स वगैरह जो भी था वो मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया था। और ताकि मेरे को कल ढूंढना ना पड़े सब कुछ कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मेरी सारी तैयारी ऐसे पहले से ही हो जाती है।
यहाँ पे मैं उठ गई थी सुबह सुबह के टाइम पे, सर्दी खाने का टाइम था और मुझे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं टेंशन में आ गई कि पता नहीं व्रत मेरा कैसा जाएगा, क्योंकि मेरे सर में जब पेन होता था वो इतना भयानक होता है कि मैं मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो सर्दी खाने लगी थी मैं सुबह सुबह का, सर्दी खाना भी अच्छा लग रहा था, ठंड भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी और अच्छी लग रही थी सर्दी। मैंने एक ही कटोरी बनाई थी क्योंकि मैंने ही खानी थी, तो बस इतनी सी बनाई थी मैंने। और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उससे पहले भी मैं एक बार उठी थी दवाई खाने के लिए, फिर मैंने सोचा फिर सो जाती हूँ, अब करना भी क्या, उठ के बाहर अंधेरा था, काम भी नहीं कर सकते उठ के, तो मैंने सोचा कि अब सर्गी खा के सो जाते हैं। और ऊपर से मेरा सर इतना भारी, इतना पेन हो रहा। 12:30 बज चुके हैं और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी चाची को मैंने मेहंदी लगाई, उससे पहले मैंने अनबी को नहलाया तो उसमें बिज़ी थी, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद वेट कर रहे हैं कब टाइम निकलता है और पूजा का टाइम होता है, जो पूजा हो जाएगी फिर पता है, बस शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, चाँद निकलेगा, देखेंगे, पानी पियेंगे, खाना खाएँगे, हो गया व्रत। चलो अभी आगे देखते हैं। माथे की बिंदिया सजती रहे, हाथों की चूड़ियाँ खनकती रहे, पैरों की पायल छनकती रहे, पिया संग प्रेम की बेला सजते रहे, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। गाइस मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और अभी लंच टाइम हो गया है, तो हमारा तो करवा चौथ है, हम तो कुछ खाएंगे नहीं, तो अंडी को तो खिलाना पड़ेगा और सास ससुर भी खाएंगे, तो वो तो सास ने तो अपने लिए रोटी बना ली है, अपने लिए और पापा के लिए रोटी बना ली है उन्होंने, सब्जी थी सुबह की तो वो उसके साथ खा लेंगे। और अनबी को मैं दूध के साथ रोटी खिला रही हूँ अनबी को, और बाकी का खाना हम बनाएंगे रात में। बहुत ज़्यादा खेलने के बाद, शराब करने के बाद हमारी अनबी सो गई थी और मैंने इसको सुलाया, फिर मैंने सोचा मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो ही लेती हूँ जब तक ये सोए रहेगी, तो मैंने पहले बाल स्ट्रेट कर लिए थे, उसके बाद यहाँ पर पूजा करनी थी तो मैंने ये पीढ़ी से डाल दी थी रेड कलर की। तो गाइस अभी मैं थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ और पूजा का टाइम अभी है, टाइम पूजा के लिए, तो मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने पहना है मेहरून कलर का सूट, बट इसमें थोड़ा रेड लग रहा है, तो ये इसमें इसके साथ में है ये घाघरी, तो ये मैंने आज सूट पहना हुआ है और ये इसके साथ है दुपट्टा। तो अभी फ़िलहाल पूजा के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, तो मिलती हूँ आगे रेडी होके। यहाँ अनबी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, मैं इसको ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को अनबी के पैर देखे, मैंने कहा ओ माय गॉड ये कहाँ जाके बढ़ गई है तो मैंने इसको अंदर से निकाला, मैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे को तो दिख भी नहीं रही है, और ये इसको मैंने निकाला अंदर से। और यहाँ पे मैं रेडी भी हो रही थी, साथ साथ ही मैंने बाल स्ट्रेट कर ली थी, थोड़ा सा मेकअप कर लिया था, यहाँ पे चाची आ गई थी अपने लिए, उन्होंने चूड़ी मेरे साथ में लेके आ गए थे। मैंने रस्सा पड़ी रख दे, खरी गुड़ी है मेरा बच्चा। मैं रेडी होके बाहर आ गई, मैंने सोचा थोड़ी फोटो वगैरह हो जाए, रील्स वगैरह शूट कर लूँ मैं थोड़ी, तो अभी मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो यहाँ मैं सोचा अभी पूजा के लिए भी टाइम था, तो मैंने सोचा पहले रील्स वगैरह शूट कर लेती हूँ। बाहर आ गई थी, कोई शूट करने वाला था नहीं, तो मैं ट्राईपॉड लेकर आ गई थी और उसके बाद मैं शूट करके अनबी के पास गई अंदर। जाया करनी हाँ जाया। किशु कर दो। मतलब कहाँ जा रहे हैं, बोली तो सकते हैं कि बोलना भी अलाउड नहीं है तो हम जा रहे हैं मंदिर। कोई ब्रत नहीं करते, मैं सिर्फ शिव जी भगवान चढ़ाने हैं,
आप तो अच्छा ठीक है, तो हमारी पूजा होगी और हम शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं और उसके बाद रात की क्रिया होगी जो कि क्या है, चांद निकलने की। नमस्ते अंकल जी, यहाँ भी चांद निकलने को टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो मैं आज बनाती हूँ करवा चौथ के दिन माँ और रूंग की दाल और साथ में साग बना रही थी। दाल को मैंने तड़का लगा दिया था और इसी के साथ मैं साग भी बना रही थी क्योंकि चांद निकलेगा 8-9 बजे, तब तक फिर खाना भी तो रेडी होना चाहिए। और पिछली बार मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने बना दिया था। और उसके अलावा मुझे अपने ही हाथ का अच्छा लगता है, मैं किसी और के हाथ का मैं पसंद नहीं करती। मतलब जो टेस्ट है वो मुझे अपने हाथ का अच्छा लगता है, या फिर हस्बैंड घर पे हों तो उनके हाथ का अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद खाना तो मैं खुद ही बनाऊंगी, ढंग का खाऊंगी। तो गाइस खाना मेरा बन चुका है, बस अब चावल ही हैं बनाने को। दाल और साग मैंने बना दिया है, अब चावल बनाएंगे। अब देख लेते हैं कि चांद कितने बजे निकलता है, कब तक निकलता है, उस हिसाब से हम चावल बनाएंगे। तो बस अभी हम फ्री हैं बिल्कुल, अब बस चांद के निकलने का वेट है। बस वो वाला प्रोसेस अभी बाकी है, बाकी सारा कुछ हो गया, वही तो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद पियेंगे पानी, खाएंगे खाना, फिर आराम करेंगे। वैसे मेरे को भूख नहीं लग रही है, लेकिन हाँ प्यास लग रही है क्योंकि गला सूख रहा है ना बार बार इधर उधर इधर, तो उस वजह से गला सूख रहा है। वैसे इतना ज़्यादा प्यास भी नहीं लग रही है और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो बस वेट कर रहे हैं कब चांद निकलता है। अखिया मिला के चन्ना आ बिना जुदाई पे देवे ना तारे ननो सारी खुदाई पे अखिया मिला के तारी है बाराती चांदनी है ये बारा सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथ हम बियार बाती हम जीवन साथी हम दियार वाते अब 16 श्रृंगार करे राधे जब 16 श्रृंगार करे हर दर्पण रोज दिखाते हैं हर दर्पण रोज दिखाते हैं राधे कौन से पुण्य की तूने हर रोज तेरे घर आती है राधे कौन से पुण्य की तूने हर रोज तेरे घर
रखा है मैंने एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ, वो लंबी उम्र तुम्हारी हर जन्म में मिले, तुम्हारा ही साथ हैप्पी करवा चौथ माय डियर हस्बैंड। यहाँ 8 बज गए थे और चांद निकल ही नहीं रहा था। मुझे नींद भी आने लगी थी और सर में भी दर्द होने लग पड़ा था। तो टाइम जितना नज़दीक आता है उतना ही ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। हनीप्रीत को खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली चाम निकल गया था और मैं ये चुन्नी वगैरह लगा के बाहर चली गई चाँद देखने और वो पूजा वगैरह जो थी वो करने। तो बस यही सबसे हमारा मेन प्रोसेस होता है, इसी के लिए हम इतना सुबह से भूखे प्यासे रह रहे होते हैं चाँद देखने के लिए। तो ये चाँद निकल चुका था और पूरा चाँद आपको दिख रहा है ना, तो ये निकल गया था और बस अब यही बाकी था। करवा चौथ का व्रत पूरा हो चुका है, अब हम पियेंगे पानी। हस्बैंड तो है नहीं पानी पिलाने के लिए, खुद ही पीना पड़ेगा। पानी पीने के बाद फिर मैं अपने लिए खाना लेकर आ गई थी और खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी और सेम खाना वैसे ही बना था जैसे पिछली बार मेरे हस्बैंड ने बनाया था। मैं उनका बना हुआ खाना मिस कर रही थी लेकिन सच में वैसा ही खाना बना था, टेस्टी वाला। इसमें सारी चीज़ें एक्यूरेट पड़ी थी, कोई भी मैंने ऊपर से नहीं डाली, सब कुछ बढ़िया से ही बना। हमारा करवा चौथ का व्रत हो गया और हमने खाना भी खा लिया है ना अनवी। अच्छा अनवी क्लैपिंग करके बता दो, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। अच्छा किश 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 कर दो। तो फाइनली आज व्रत पूरा हो चुका और भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, नहीं भूख नहीं लगी थी, प्यास लगी थी, गला सूख गया था तो खाना खा लिए जी भर के जी भर। गाइस सच बोलूँ ना तो मुझे किसी भी त्यौहार का ना इतना सा भी मज़ा नहीं आता, इंजॉय नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये फील किया कि जब भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो मैं हर त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और जब वो साथ में होते हैं तो हर दिन सेलिब्रेट तो कोई भी सेलिब्रेट कोई भी त्यौहार से कम नहीं होता, हर दिन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड घर पे ना हो और कोई त्यौहार हो तो मैं तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती हूँ, बस फॉर्मेलिटी करती हूँ कि नहीं करना है इसको पूरा करना है, लेकिन होता है ना कि अपनों के बिना मज़ा ही नहीं आता कुछ भी। तो जब साथ में कोई हो ही नहीं, बातचीत करने वाला कोई आसपास कोई हो ही नहीं, तो मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, सुबह से शाम तक बस ऐसे फ़ोन देखते रहो टीवी देखते रहो तो ऐसे पता ही नहीं चलता है। पर चलो अब जो चीज़ें करनी है वो तो करनी ही पड़ेंगी, चाहे हस्बैंड साथ में हों चाहे बाहर जॉब कर हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो आज का ये त्यौहार तो अच्छे से हो गया, पिछला जो करवा चौथ था उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था क्योंकि उस टाइम हस्बैंड घर पर थे और उस टाइम मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा पेन था, इस बार भी पेन था, इस बार तो व्रत रखने से पहले ही रात को ही पेन स्टार्ट हो गया मेरे सर में, तो उसकी मैंने रात को उठ के दवाई खाई थी और आज अभी हल्की हल्की दर्द हो रही क्योंकि भूखे तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना तो दर्द हो ही जाता सर में। तो चलो फिर भी निकल गया, अच्छे से निकल गया, बट आज मेरे को पिछले साल वाला व्रत बड़ा याद आ रहा था क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छे से
इंजॉय किया था, मेरे हस्बैंड थे और भी लोग थे जो अब हमारे साथ नहीं है और शायद कभी होंगे भी नहीं हमारे साथ। तो कुछ रीज़न तो होते हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी बट अब अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें मैं मिस करती हूँ और हमेशा मिस करूँगी। आगे होली आएगी, लोहड़ी आएगी, तो वो सारी चीज़ें फिर मिस करूँगी, क्योंकि हमने पहले पहले बहुत अच्छे से इंजॉय किया हर चीज़ को, लेकिन अब आगे जो टाइम आ रहा है सब खाली खाली जा रहा है कुछ लोगों की वजह से। चलो मैं ये चीज़ें बीच में नहीं लाना चाहती। तो बस मेरा ये आज का व्लॉग इतना था, करवा चौथ बहुत अच्छे से निकल गया मेरी। मैं सभी को, सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ आज का ये दिन। वैसे तो जेंट्स के लिए शायद ये सोचना नॉर्मल सी बात होगी कि पानी के बगैर ही तो रहना है, बट मुश्किल होता है क्योंकि खाने के बिना, खाने के बिना तो इंसान रह सकता है बट पानी के बिना कैसे रहे। चलो लेकिन क्या है कि महिलाएं फिर भी खुशी खुशी ये चीज़ करती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। हर हर महिला, हर लड़की यही चाहेगी उसका जो हस्बैंड, उसका जो लवर, उसकी उम्र लंबी हो, है ना। तो बस आज का ये मेरा ब्लॉग इतना ही था, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय, गुड नाइट, अन्नी टाटा कर दो, टाटा टाटा टाटा। अच्छा डांस कर दो, डांस कर दो, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो। लेकिन जब ये सवाल, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सोना है, बहुत नींद आ रही है, अब थक गई हूँ।